please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई है। वर्ल्ड बैंक ने दूसरे देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद जताई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2018 में भारत की संभावना जताई है। वर्ल्ड बैंक ने दूसरे देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद जताई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2018 में भारत की विकास दर 7.3% रहेगी, जबकि अगर हम अगले साल की बात करते हैं यानी कि 2019 और उसके बाद 2020 की बात करते हैं तो भारत की विकास दर 7.5% होने की संभावना है। वहीं नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद 2017 में भारत की विकास दर 6.7% दर्ज की गई। वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि चीन के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ेगी। इसके अलावा 2017 में चीन की विकास दर भारत से 0.1% ज्यादा यानी कि 6.8% रही, जबकि 2018 में चीन की विकास दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गश्त के समय पुलिस को मेरठ के खानपुर के जंगल में बदमाशों के छिपे होने की खबर मिली। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें 10,000 का इनामी बदमाश चांद घायल हो गया। घायल बदमाश चांद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि चांद के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस इसकी घेराबंदी की, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और गन्ना का खेत था वहाँ, गन्ने खेत में भागा। पुलिस ने भी इस पर क्रैश फायरिंग करते हुए अपना आत्मरक्षार्थ चारों तरफ से इसके घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो एक मुकदमा था उसमें वांछित चल रहा था, इसमें 10,000 का इनाम भी था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गश्त के समय पुलिस को मेरठ के खानपुर के जंगल में बदमाशों के छिपे होने की खबर मिली। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें 10,000 का इनामी बदमाश चांद घायल हो गया। घायल बदमाश चांद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि चांद के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इससे पहले मंगलवार को यूपी पुलिस ने 8 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया है, जबकि 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश मारा गया। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहां पर 50,000 का इनामी बदमाश समेत 5 गिरफ्तार किए गए। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ। अमरोहा में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। वहीं अमरोहा के बाद सहारनपुर से 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां से 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा मेरठ में मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी। मुरादाबाद में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश वाराणसी में मुस्लिम उलेमाओं ने बैठक की और लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया। काफी देर तक चली बैठक के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने जानकारी दी कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है। वाराणसी में करीब 1,000 मस्जिद हैं। उलेमाओं ने सभी मस्जिदों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। उलेमाए किराम की ये मीटिंग हुई है और इसमें जो इस बात का खुलासा कर दिया गया कि हम हाईकोर्ट के हुक्म का पालन कर रहे हैं, उसकी तामील करेंगे और इस सिलसिले में जो है सारे अइमा मसाजिद से हमारे उलेमाए किराम अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है इससे मुतालिक जो परमिशन है उसकी कार्रवाई पूरी करें। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की एक चिट्ठी पर सियासत गरमा गई। वसीम रिजवी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें रिजवी ने मदरसों पर आतंकी संगठनों से फंड लेने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री से मदरसों में दी जा रही शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मदरसों में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचला है। ऐसे बच्चे समाज से दूर होकर कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में मदरसों को खत्म करने की जरूरत है और उनकी जगह सामान्य शिक्षा नीति बनाई जाए। चिट्ठी को लेकर चौतरफा घिरने के बावजूद वसीम रिजवी अपनी मांग पर कायम दिखे। मुस्लिम बच्चे दूसरे समाज के बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो हिंदू मानसिकता जो मुसलमानों के अगेंस्ट हो रही है, जो मुस्लिम मानसिकता जो हिंदुओं के अगेंस्ट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन उनकी चिट्ठी को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, जिसको लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी पर हमला बोला
और असदुद्दीन ओवैसी ने तो वसीम रिजवी को जोकर तक बता दिया, साथ ही चिट्ठी में लगाए आरोप साबित करने की चुनौती दी। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह की वाहियात और बेकार किस्म की बातें कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने वसीम रिजवी की चिट्ठी को ही बड़ा जोक करार दे दिया। जो कुछ भी उन्होंने मदरसों के सिलसिले में कहा है, ये सदी का सबसे बड़ा जोक और मजाक है और इसके सिवा कुछ नहीं है। वसीम रिजवी की प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी को लेकर मचा घमासान यही नहीं थमा। कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वसीम रिजवी को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफर याब जिलानी ने वसीम रिजवी की चिट्ठी को सुर्खियों में बने रहने का जरिया बताया। ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने वसीम रिजवी के उठाए मुद्दे को तवज्जो देना ही ठीक नहीं समझा। वो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है समाज को उन मुद्दों से हटाए जो सामाजिक हैं, जो जन समस्याओं के साथ जुड़े हुए। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं, चाहे मामला राम मंदिर से जुड़ा हो या तीन तलाक से। यूपी में कानपुर के कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग एक आदमी को जबरन ट्रेन पर चढ़ाने की कोशिश करने लगे। जिस आदमी को ट्रेन पर चढ़ाया जा रहा था, आरोप है कि उसने भीड़ में एक आदमी का मोबाइल चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल चुराते वक्त वो लोगों के हत्थे चढ़ गया और लोग उस आरोपी को सजा देने के लिए अपने गाँव ले जाने की बात कहने लगे। इस दौरान रेलवे पुलिस का एक जवान भी वहां खड़ा था, जो भीड़ के सामने बेबस नजर आया, लेकिन जब तक उस आरोपी को ट्रेन पर चढ़ाया जाता तब तक ट्रेन चल पड़ी और उसका आधा शरीर ट्रेन के दरवाजे से बाहर लटका प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। जैसे ही ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी तो वो आदमी ट्रेन से छिटक कर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, जिससे उसे काफी चोट आई। ट्रेन पर चढ़ने से पहले लोगों ने आरोपी के साथ काफी मारपीट भी की और स्टेशन पर खड़ी पुलिस इस पूरे हंगामे को चुपचाप देखती रही। चश्मदीदों का दावा है कि आरोपी भीड़ में किसी आदमी का मोबाइल चुरा कर भाग रहा था, लेकिन मोबाइल चुराते वक्त लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई कर दी। आरोपी को ट्रेन पर चढ़ाने की पहले भी कोशिश की गई, लेकिन आरोपी भी लोगों से जोर आजमाइश करता रहा। कुछ देर की मशक्कत के बाद लोग उसे ट्रेन के दरवाजे तक तो ले आए, लेकिन इसी दौरान आरोपी का एक पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। हालांकि कुछ देर की कोशिश के बाद उसका पैर निकाला गया और फिर दोबारा उसे ट्रेन पर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं।